हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, ये जो कि लिखा हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज का, डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, और आप अपने टीचर से भी पूछिए, स्कूल में किसी से भी पूछिए, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चंस, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान से देखें, और बहुत ही बढ़िया सॉलिड कंसेप्ट बनाने वाला क्वेश्चन है, आप बस साथ साथ बने रहें। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और आपको बहुत सारे नोटेशंस भी क्लियर होंगे। आपको तो जो पहली कंडीशन दी हुई है, चलो पहली कंडीशन लिखते हैं। क्या गिवन है? वी आर गिवन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। जो जो आपके पास दिया है, सबसे पहले आप उस पर फोकस कर लो कि हाँ दिया क्या क्या है अपने को। एक तो कंडीशन ये दी हुई है दोस्तों, फिर एक कंडीशन अपने को दी हुई है, व्हाट इज गिवन टू अस, वी आर गिवन एफ ऑफ वन इज 3। तो एफ ऑफ वन को भी लिख दिया। अब इस नए नोटेशन का क्या मतलब है? तो नए नोटेशन को कहते हैं सिग्मा, कैपिटल सिग्मा है, ग्रीक लेटर है, और सिग्मा भी कहते हैं, समेशन भी कहते हैं। समेशन में सबसे पहले वैल्यू एक्स की 1 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 1। फिर इसके बाद आपको एक्स की जगह आपको 2 रखना है, तो ये एफ ऑफ 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स की जगह आप 3 रख दें। कब तक रखना है आपको? तो जब तक एन नहीं आता है, तो एन अननोन है, तो आप ऐसे लिखते लिखते आप ऐसा लिख देंगे एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 120। ये आपको गिवन है। तो दीज थ्री कंडीशंस आर गिवन, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 इज गिवन। अब एफ ऑफ 1 की जगह तो मैं 3 लिख सकता हूँ, बिकॉज आई एम गिवन दैट एफ ऑफ 1 इज 3। पर दोस्तों एफ ऑफ 2 के लिए क्या करेंगे? तो आपके पास जो है वो सब कुछ यही है। अब एफ ऑफ 2 के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप यहाँ पर एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 1 रख दें। एक्स और वाई दोनों की जगह अगर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो एक्स और वाई 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा आपका एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1। ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। अब आपको आइडिया भी आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, एकदम आराम से देखना आप। एफ वन कितना है? 3 है, 3 और इंटू में 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इसको 3 स्क्वायर लिख दो। अब आप इसी में एक्स की जगह आप, अब अपने को नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है ना दोस्तों, एफ ऑफ 3 निकालना है, तो एफ ऑफ 3 के लिए आप एक्स की जगह क्या कर दो? 1 रख दो। वाई की जगह क्या रख दो आप? 2 रख दो, या उल्टा कर दो, एक्स की जगह 2 रख के वाई की जगह 1 रख दो। तो एक्स की जगह मैंने क्या रखा? 1, और वाई की जगह 2, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 1 प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है देख लो आप, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 है, तो इससे आ जाएगा आपका एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 कितना है? 3 है, इंटू एफ ऑफ 2 कितना है आपके पास? तो एफ ऑफ 2 देखिए आप, एफ ऑफ 2 कहाँ है आपके पास? ये एफ ऑफ 2 3 स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया आपका? 3 स्क्वायर इंटू 3, 3 क्यूब बन गया। अब अगर आप सोचो कि अगर एफ ऑफ 4 निकालना हो, अगली वैल्यू निकालना हो, तो एक्स की जगह 1 रखेंगे, एक्स की जगह 1 रख देंगे, और वाई की जगह क्या रख देंगे? 3 रख देंगे, तो क्या मिलेगा आपको? तब आपको मिलेगा दिस विल इम्प्लाई एफ ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी इसी तरीके से, और वो हो जाएगी 3 टू द पावर 4, और एंड सो ऑन। आगे की भी निकाल सकते हैं हम, एफ ऑफ 5 की, एफ ऑफ 6 की, लेकिन अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत है हमें इसकी एफ ऑफ 2 की, तो ये 3 स्क्वायर आ गया। एफ ऑफ 3 की 3 क्यूब आ गया। फिर मैंने एफ ऑफ 4 क्यों निकाला? एफ ऑफ 4 मैंने आपका लॉजिक थोड़ा और सॉलिड हो जाए इसके लिए निकाला। अप टू कहाँ तक? अप टू एन टर्म्स तक। और क्या इसकी वैल्यू है? 120। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज़ वॉट, इट इज़ अ जीपी। ये क्या बन गई? एक जीपी बन गई, ये जीपी है। ए फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 3। कॉमन रेशियो भी आपको समझ में आ रहा होगा, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 स्क्वायर आए? 3। 3 स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 क्यूब आए? 3। तो कॉमन रेशियो कितना हो गया आपका? कॉमन रेशियो इज 3। तब आपका फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला है आपके जीपी का? एसएन, एसएन का फार्मूला है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये फार्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 3 इंटू 3 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। अब आप क्या लिख सकते हो? देखो
थ्री टू द पावर एन माइनस वन लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड में ही रहने दें। ये जो अपॉन में टू है, थ्री माइनस वन टू, इसको उधर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, टू इंटू वन ट्वेंटी, टू इंटू वन ट्वेंटी। इस थ्री को इंटू में तो नीचे भेज दें, ये आ गया। ये कितना हो गया आपका, थ्री फोर जा ट्वेल्व, फोर फोर्टी इंटू टू कितना हो जाएगा, एटी, एटी हो गया। ओ सॉरी, एटी, एटी हो गया आपका। अब आप देखो अपने पास क्या है, थ्री टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू एटी। तो इधर देखो, थ्री टू द पावर एन कितना हो जाएगा, थ्री टू द पावर एन माइनस वन, एटी आया। तो थ्री टू द पावर एन माइनस वन को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा एटी प्लस वन, एटी वन। थ्री टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या बन गया, थ्री टू द पावर फोर। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, फोर। ये था दोस्तों इसका आंसर, और बेहद आसान था, काफ़ी कम समय में हमने कर लिया। और मेरी बेस्ट विशेस हैं, करीब छः मिनट लगे इसे करने में। और ऐसा ही एक्सपेक्ट आपसे बोर्ड करती है कि जो क्वेश्चन फोर मार्क्स के हैं उनको आप पाँच मिनट से छः मिनट के बीच में कर दें। और मेरी बेस्ट विशेस हैं, ऐसे आपके कोई डाउट हो तो मुझे लिख के भेजें, चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। ऑल द बेस्ट।